Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Devi Adishakti. ताड़कासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ताड़कासुर के अंत के सृष्टि के हित के लिए आपका और महादेव का विवाह अनिवार्य है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। कारिका, कारिका, ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं मैं कारिका। जाओ, अट्टासुर के साथ जाओ, ढूंढो उस आदि देवी शक्ति को, और यदि अट्टासुर उस देवी का अंत करने में असमर्थ रहा तो तुम इस कार्य को पूर्ण करो। पुत्री, भूल तो कामदेव से अवश्य हुई है। अपने पंच बाण से महादेव में काम जागृत करने का प्रयास करने की बहुत बड़ी भूल। वो महादेव जो स्वयं में ही रमते हैं, उनमें भला कोई काम जागृत करने का प्रयास कैसे कर सकता है? माते, स्वामी से भूल हुई, ये मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया देवराज इंद्र की योजना के अनुसार किया, उनके आदेश पर ही किया। यदि माता का क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पश्चात तो मैं देवराज इंद्र रहूंगा और ना ही मेरा इंद्रलोक। मैंने अपने पति को खो दिया और सृष्टि ने कामदेव को, अब संसार का क्या होगा माता? कामदेव के बिना प्रजनन रुक जाएगा, सृष्टि में नवीन जीवन का संचार होना थम जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ अट्टासुर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? राजभवन के निकट क्यों नहीं? कहीं यहाँ पुनः आकर मैंने मूर्खता तो नहीं की? कदाचित मुझे उस चिकित्सक के सुझाव पर कुछ और समय विश्राम कर लेना चाहिए था। इस कारिका को यहाँ का मार्ग बताकर मैं स्वयं को सुरक्षित ही रखता तो उचित होता। तुम्हारी श्रवण शक्ति शिथिल है क्या? हुआ क्या है तुम्हें? चलो, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। इस देवी आदि शक्ति का अंत मैं अकेले ही कर सकती हूँ। अच्छा, इतना ही विश्वास है स्वयं पर?
तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं भी तो देखूं कि क्या कर सकती हो तुम। तो तुम मेरी प्रतीक्षा करो और देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इससे उचित दूरी पर रहना होगा जिससे इसका अंत होते देख सकूं। उचित है, मेरे लिए यही स्थान उचित है। यहाँ सुरक्षित रहूंगा मैं, यहीं से ही छुप छुप कर देखता हूँ। दुखी मत हो पुत्री, मैं महादेव के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, इसलिए मैं कामदेव को पूर्वत तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान देती कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदा उपस्थित रहेंगे। और उनकी पत्नी होने के नाते एकमात्र तुम ही उन्हें देख सकोगी। और द्वापर युग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम्हें कामदेव का सदैव सानिध्य भी प्राप्त होगा। प्रणाम माता। स्वामी, मैं आपको देख सकती हूँ स्वामी। माता ने आपको नया जीवन प्रदान कर दिया स्वामी। धन्यवाद माता। मुझे क्षमा कर दे माता, मैं तो सृष्टि के हित में महादेव की विरक्ति दूर कर उनके मन में स्नेह और प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहता था, इसलिए मैंने जो भी किया वो किसी द्वेष भावना से नहीं किया, किंतु मेरे कारण महादेव क्रोधित हो गए। कामदेव, आप ये भूल गए कि यदि महादेव में कोई काम भावना जागृत कर सकता है तो वो एकमात्र आदि शक्ति है, अर्थात स्वयं मैं। देवी रति, मैं कामदेव को देखने में असमर्थ हूं, किंतु मैं आप दोनों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मैं आपका अपराधी हूं, मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। इंद्रदेव, माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से स्वामी का साहित्य पुनः प्राप्त हो गया। संसार को कामदेव रति प्राप्त हो गए। माता की कृपा से मुझे मेरे स्वामी प्राप्त हो गए, वो पुनः अस्तित्व में आ गए, इसीलिए मैं अब किसी पर भी क्रोधित नहीं हूँ। देवराजेंद्र, अब हमें आज्ञा दीजिए माता।
मैं देवी आदि शक्ति का। वो देवी तो वहां उपस्थित प्रतीत हो रही है। अच्छा ही हुआ, अब मुझे इसका अंत करने के लिए राजभवन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हाथों इसकी मृत्यु ही से यहाँ खींच लाई है। कारिका देवी शक्ति का अंत करेगी, फिर मैं उस दुष्ट कारिका का वध कर देवी आदि शक्ति के अंत का श्रेय ले लूंगा। ये तो कोई असुरी स्त्री है जो आकाश में हमारे ऊपर मंडराकर ये छाया प्रकट कर रही है। तारकासुर बहुत समय से शांत बैठा था, अब वो अपनी असुरी सेना को भेजकर देवी आदिशक्ति का अहित करना चाहता है। देव नारायण, ये क्या घटित हुआ? देव राजेंद्र, माता आदिशक्ति को इस असुरी शक्ति का आभास हो गया था और उन्होंने अपने एक हुंकार से समस्त असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। एकमात्र आदिशक्ति ही ऐसा करने में सक्षम है। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप दोनों के हृदय में कोई चिंता अवश्य है। बताइए मुझे, आप इतने विचलित क्यों हैं? देवी आदिशक्ति, तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया है, यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, निर्दोषों को कष्ट देकर उन्हें व्यथित कर रहा है। तारकासुर का अंत आपके और महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। अब एकमात्र आप ही जो महादेव में काम भावना उत्पन्न कर उन्हें विरक्ति के भाव से बाहर ला सकते हैं। इसलिए तारकासुर के अंत के लिए, सृष्टि के हित के लिए आपका और महादेव का विवाह अनिवार्य है। माता पार्वती भी विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? देवी, मुझे क्षमा कीजिए। देवी, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। माताश्री और पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे राजभवन लौटना ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं। माता पार्वती पुनः महाराज हिमावन की पुत्री के रूप में आ गई, किंतु क्यों? इसका कारण तो स्पष्ट है। एक नारी की गरिमा, उसके संस्कार और सम्मान। अपने पिता महाराज हिमावन की आज्ञा के बिना विवाह तो दूर, माँ कुछ भी नहीं करने वाली थी। माता आपने सर्वथा उचित कहा। माता पार्वती ने महाराज हिमावन की कन्या के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए अब महादेव से उनका विवाह तो तभी संभव था जब स्वयं महादेव उनके पिता के पास उनके साथ अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते।
अर्थात जब तक महाराज हिमावन माता पार्वती का कन्या दान कर उन्हें महादेव को सौंप नहीं देते, वो महादेव को कैसे स्वीकार कर सकती थी। इसीलिए माता को स्वयं का वास्तविक परिचय ज्ञात होने के बाद भी महाराज हिमावन के राजभवन लौट गईं। इधर देवता पुनः चिंतित थे, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी वो पुनः निरुपाय हो गए थे, और उधर तारकासुर को भी असफलता ही हाथ लगी। विश्वास है मुझे, इस बार कोई चूक संभव नहीं। अट्टासुर को ज्ञात है कि देवी आदि शक्ति कहां स्थित है, और उससे प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है वो। और उसके साथ मैंने उस असुरी कारिका को भी भेजा है। अब किसी भी क्षण उनमें से कोई उस आदि देवी शक्ति के अंत की शुभ सूचना लेकर अवश्य ही आता होगा। अवश्य। अट्टासुर उन्हें आहत अवस्था में। ब्रह्मदेव, नारायण, अब तक तो महादेव और माता पार्वती का एक दूसरे को ना देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था, किंतु हमें आशा थी कि दर्शन प्राप्त कर वो एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे, किंतु यहाँ तो सब कुछ हमारी आशाओं के विपरीत हो रहा है। एक और महादेव माता पार्वती को देखते ही कहीं और प्रस्थान कर गए, और माता भी पुनः अपने पिता के घर लौट गई। देवराज, मुझे ज्ञात है आप सभी महादेव और देवी पार्वती की विवाह की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से कर रहे हैं, किंतु आप ये क्यों भूल रहे हैं कि विवाह संबंध स्थापित होना इतना सरल नहीं। विवाह होना इतना सरल नहीं, अर्थात? वायुदेव, विवाह संबंध विधि विधान और इस संबंध की मर्यादा हम स्त्रियां ही भली भांति समझ सकती हैं, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती की दृष्टि एक दूसरे पर गई अवश्य, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो तभी गंधर्व विवाह संपन्न कर लेते। अर्थात माता? विवाह संबंध स्थापित करने हेतु मर्यादा अनुसार सर्वप्रथम वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव आना अनिवार्य होता है, अर्थात देवी पार्वती से विवाह करने हेतु महादेव को अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन तक भिजवाना होगा। किंतु माता, जिस प्रकार क्रोधावेश में महादेव यहाँ से प्रस्थान किए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि विवाह में उनकी तनिक भी रुचि नहीं, तो फिर वो विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजेंगे? देवी लक्ष्मी, प्रतीत होता है कि हम देवियों को ही देवताओं को सब समझाना होगा। हाँ देवी सरस्वती, इतने दिग्गज ज्ञानी और शक्तिशाली देवता होकर भी विवाह अर्थात गृहस्थ जीवन के आरंभ की अधूरी ही समझ है इन्हें। देवगण, आप सभी ये क्यों भूल रहे हैं कि महादेव देवी सती को खोने की प्रचंड पीड़ा को सहन करने के उपरांत सभी सांसारिक क्रिया कलापों से विरक्त हो गए हैं, किंतु अब क्षण भर के लिए ही सही महादेव को देवी पार्वती की एक झलक अवश्य प्राप्त हुई थी, तो महादेव के मन में भी देवी पार्वती के लिए प्रबल आकर्षण अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। हमें महादेव के मन को टटोल कर बड़ी ही सावधानी और संवेदनशीलता से उन्हें समझाना होगा, अन्यथा उनका कोप जागृत हो सकता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, महादेव से विवाह के विषय में चर्चा करने और उसका प्रस्ताव रखने का साहस किसमें है? क्यों देवराज, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इसके लिए नारायण है ना? मैं? परंतु मुझे ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हो? इसलिए स्वामी, क्योंकि आप कन्या के भ्राता जो हैं।
उचित है, मुझे ये सौभाग्य स्वीकार है। नाथ, आप तो महादेव के समक्ष जाने के लिए आतुर हो गए, किंतु इसका विचार किया है कि आप उन्हें कहेंगे क्या, इस पर भी तनिक विमर्श कर लीजिए। उचित है प्रिय, महादेव की ओर से महाराज हिमावन के पास देवी आदिशक्ति के विवाह का प्रस्ताव बाद में जाएगा। उसके पूर्व मैं देवी आदिशक्ति के विवाह का ऐसा प्रस्ताव महादेव के पास लेके जाऊंगा जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्या नारायण महादेव के पास ये विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे? हाँ माँ, और नारायण तो नारायण, और अब तो वो अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर महादेव के निकट पहुंचे थे। तो महादेव ने श्री हरि नारायण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? महादेव, मेरी बहन पार्वती, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। किंतु महादेव ने प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? माता को स्वयं के ब्रह्मचारिणी रूप के सत्य को भी अभी सिद्ध करना शेष था। शक्ति और मर्यादा का मेल ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है।